हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चाप की रेसिपी। इस रेसिपी को देखने के बाद एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सोया चाप की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। सोया चाप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें हम तेल डाल लेंगे। हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाप को काट के रख लिया था। अब हम इसी तरीके से एक एक करके सारी चाप को फ्राई कर लेंगे। चाप को हम बार बार उल्टा पलटी नहीं करेंगे, एक ही तरफ। जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तभी हम उनको दूसरी तरफ पलटेंगे। ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है चाप, लेकिन हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये चाप हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे और जो बाकी बची हुई चाप हैं उनको भी हम इसी तेल में फ्राई कर लेंगे। हमने बाकी बची हुई सारी चाप को निकाल लिया है और चलिए आगे की देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है और चार मीडियम साइज़ के टमाटर यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं। अब इन मसालों को हम उसी तेल में हल्का सा सॉटे कर लेंगे और उसके बाद हमने जो प्याज चॉप करके रखी थी उसको भी फ्राई होने के लिए डाल देंगे। प्याज को हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और जो टमाटर हमने काट के रखे थे उनकी हम प्यूरी बना लेंगे। प्याज को लगातार चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज को बीच बीच में चलाते रहें वरना वो साइड साइड से लगने लगती है। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से पकना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे और उसके बाद थोड़े से सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें कि 2 चम्मच चाप मसाला, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी ली है। और अब हम इन सबको डाल देंगे। सूखे मसालों को डालने के बाद लगातार चलाते रहें वरना ये तुरंत ही तेल में जल जाते हैं। हल्का सा सूखे मसालों को पकाने के बाद हम इन्हें इसमें जो प्यूरी बना के रखी थी वो डाल लेंगे। टमाटर प्यूरी डालने के बाद हम इसको चला के अच्छे से पका लेंगे 2 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से टमाटो प्यूरी को पका लेंगे। ये देखिए हमारे की टमाटो प्यूरी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। आप इसकी जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध के ऊपर की जमी मलाई ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें मलाई हल्की सी कम लग रही थी तो इसमें मैं 1 चम्मच और ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसके बाद 2 मिनट के लिए ढक के हम इसको मसाले को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें चाप डाल लेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। अगर आप अपनी ग्रेवी को बहुत ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो ऐसे ही ढक के 2 मिनट के लिए पका लें, और अगर थोड़ा ग्रेवी पतली चाहिए तो आप यहाँ पे दूध डाल लें। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप दूध डाला है।
उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक के पका लें। ये देखिए हमारी चाप बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पनीर ग्रेट करके रखी थी, अब हम ऊपर से उसको डाल लेंगे। पनीर डालने के बाद हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी को भून के ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि चाप में जान आ जाती है। ये देखिए हमारी चाप कितनी अच्छे से बनके तैयार हुई है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़, थैंक यू।